हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका रंजना की रसोई में। आज मैं बनाने जा रही बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से ग्रीन मूंग की सब्जी। आइए मैं आपको सामग्री दिखा दूँ। उससे पहले आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते, लाइक करें, वीडियो को देखने के बाद कमेंट करें। ये देखिए दोस्तों, मैंने अनियन 3 अनियन लिया है मीडियम साइज, 2 टमाटर, धनिया पत्ता, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ग्रीन चिल्ली, जीरा, सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता। और ये देखिए, ये मैंने ग्रीन मूंग को भून कर 1 सीटी लगा दिया है 1 कप पानी के साथ। अच्छे से गल गया है ये देखिए। थोड़ा बहुत जो भी है बनेगा मसालों के साथ गल सीज जाएंगे, अच्छे से गल जाएंगे। अब चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अनियन, टमाटर, धनिया पत्ता को बारीक काट लेते हैं। देखिए मैंने प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता को बारीक काट लिया है। अब चलते हैं गैस की ओर। गैस पर चढ़ाते हैं कढ़ाई को, गैस को ऑन कर लेते हैं। कढ़ाई में डालते हैं तेल। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल में डाल देते हैं जीरा, तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा भून लेंगे। अब डाल देते हैं बारीक काटा हुआ अनियन। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे अच्छे से। प्याज को भून लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए दोस्तों, प्याज भून गया है। अब इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट। बारीक काटा हुआ टमाटर, नमक, स्वाद अनुसार डालिएगा। टमाटर को गलने तक पका लेते हैं। टमाटर, गार्लिक पेस्ट सभी अच्छे से भून जाएंगे, पकने देते हैं। देखिए दोस्तों, इतना अच्छा प्याज टमाटर भून गया है, तेल छोड़ दिया है। अब इसमें ऐड कर देते हैं एक कुछ पाउडर मसाला, हल्दी, धनिया, मिर्ची और ग्रीन चिल्ली डाल देते हैं। 1 मिनट भूनेंगे मसालों को। देखिए दोस्तों, मसाला भी भुन गया है। अब इसमें डाल देते हैं ये बॉईल किया हुआ ग्रीन मूंग। मिक्स करके 1 मिनट भून लेंगे। कवर कर देते हैं, 1 मिनट भूनेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने मूंग को 1 मिनट भून लिया है। अब इसमें ऐड करते हैं गरम मसाला। मिक्स करके आप चाहें तो ऐसे भी
गरम मसाला डाल के एक मिनट दो मिनट भून के खा सकते हैं। धनिया पत्ता डाल के हम इसमें पानी ऐड करेंगे और अच्छे से गलने तक पकाएंगे। वैसे गल गया है, वैसे तो ये गल गया है, पर बच्चों के लिए थोड़ा और गलाना पड़ेगा, तो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं दो मिनट और भून के। अब डाल देते हैं पानी। ज़रूरत जितना डालिएगा, आपको गाढ़ा फिक्स या कम गाढ़ा चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा चाहिए, उस हिसाब से पानी डालिए। कवर कर देते हैं और गलने देते हैं। गैस को धीमी फ्लेम कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रीन मूंग का सब्जी बनके हो गया रेडी। बहुत जल्दी बन जाता है ये सब्जी। आप भी इसी तरीके से बनाइए और खाइए। अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अब इसमें डाल देते हैं धनिया पत्ता। मिक्स करके गैस बंद कर देंगे। कवर कर देते हैं, गैस को बंद कर देते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत कम समय में बहुत अच्छा सब्जी बनके रेडी हुआ है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा।